वालेकुम जी मेरे पाकिस्तानियों, मैं आपसे कुछ पूछना चाह रहा था, आपकी इस पे मुझे राय दरकार है कि ये चैनल है आफ्ताब इकबाल साहब, जाहिर है ये सब लोग आप जानते हैं कि एक दानिश्वर हैं हमारे मुल्क के, नामवर कौन नहीं जानता इनको। इन्होंने 3 दिन पहले एक वीडियो अपलोड की है जिसके अंदर ये बता रहे हैं, मुहर्रम उल हराम की स्पेशल पहला इनका जो एपिसोड था, आप सुने इसमें ये क्या कह रहे हैं। यहाँ पे आवाज़ इनकी म्यूट है, म्यूजिक नहीं लगा। अस्सलाम वालेकुम, खबरात में खुश आमदेद, मैं हूँ आपका होस्ट आफ्ताब इकबाल। मदीना साहब, जैसा कि आप जानते हैं कि माह मुहर्रम में हम कॉमेडी को यकसर अवॉइड करते हुए तारीख, इल्म व फजल और अदब के, अब यहाँ आप बिल्कुल वाज़े इसमें सुन रहे हैं कि ये साफ फरमा रहे हैं कि हम कॉमेडी को अवॉइड करेंगे, और उसी दिन इन्होंने ये जो मुहर्रम उल हराम स्पेशल है यहाँ पे ये जो चल रहा है, इसके बाद इन्होंने ये कॉमेडी के 3 प्रोग्राम इन्होंने यकसर अपलोड किए हैं, जिसमें से एक अभी कॉमेडी है। इसके बाद आप देखें ये जफरी खान कॉमेडी, खान ब्रादरान, इनकी ये सब कॉमेडी के शोज़, मुझे पता है कि ये रिकॉर्डेड हैं। आप सब ये कहेंगे कि ये तो भाई समझो कि फ्रेश प्रोग्राम नहीं है, ये तो रिकॉर्डेड हैं, तो देखें मेरी बात सुनो, ये प्रोग्राम रिकॉर्डेड हैं, लेकिन ये दोबारा अपलोड क्यों किए गए मुहर्रम उल हराम में? अगर आप तंज़ो मज़ा नहीं चाहते, अगर आप कॉमेडी ये मुहर्रम उल हराम में नहीं दिखाना चाहते, तो फिर आप रिकॉर्डेड शो बार बार अपलोड करके ये भी तो लोगों को दिखा रहे हैं, इस पर भी तो व्यूज़ ले रहे हैं ना आप। या तो यूट्यूब रिकमेंड कर रहा होता पुराने वीडियोज़, तो उसमें फिर हम कह नहीं सकते, क्योंकि जाहिर है ये पाकिस्तान से बाहर है, यूट्यूब जो चला रहे हैं वो मुसलमान नहीं है, उनको हम नहीं कह सकते इस बारे में। लेकिन ऐसी दानिश्वरी पे आप इस पे क्या कहेंगे, ज़रा आप बताइए।